वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों, हर वो खबर जो कि आपके एग्जामिनेशन से हो, आपके नौकरी से हो, आपके शिक्षा से हो, हम लेकर आते हैं आपके लिए। सबसे पहले एक अपडेट आई है एक नौकरी को लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड से। जी हाँ, 2020 की ये वैकेंसी है, इसके बारे में सारा डिटेल देंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना होगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अन्यथा आप यहाँ वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। जी हाँ, आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो छोड़ते समय एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों तक ये जा सके, ये वीडियो आप उन तक पहुँच सके। दोस्तों, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा तो अच्छी बात होगी उनके लिए, जो लोग एलिजिबल होंगे। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो लोग जो कि ग्रेजुएट हैं, किसमें बीई या बीटेक कर रखे हैं, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो लोग फर्स्ट से लेकर 8th सेमेस्टर तक के जो उनका मार्क्स है ना, वो 55% एग्रीगेट के साथ है। एग्रीगेट का मतलब समझ गए, हर सेमेस्टर में कम से कम 55% मार्क्स उनके होने चाहिए, तभी अब वो एलिजिबल होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बोला जा रहा है इसके क्वालिफिकेशन को लेकर, कि मिनिमम 55% मैथमेटिक्स एंड द फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू द इंटरमीडिएट। यानी कि अगर आप लोगों ने क्लास 12 तक मैथ या फिजिक्स में 55 एग्रीगेट लेकर नहीं आए हैं इन दोनों ही सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, तो लेकर आना अनिवार्य है। उसके अलावा अगर आपने क्लास 12th के बाद या फिर 12th+3 किया है, यानी कि ग्रेजुएशन किया है, उसमें भी आपका 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसके बारे में दिखलाऊंगा सब कुछ डिटेल, ठीक है, लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं यहाँ से, तो आवेदन आगे वीडियो को देखिएगा और आवेदन भी कीजिएगा। चलिए मैं लेकर चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिस पे, जो कि ये अपडेट किया गया है दोस्तों, और कुछ ही दिन तो बचे हैं, आवेदन कर लीजिएगा। आखिरी तिथि है 15 फरवरी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो। सारा डिस्क्रिप्शन जो है मैंने लिंक में, जो सारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहाँ से आप जाके सारी चीज़ें डिटेल देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले कल रात में 2 अपडेट दिए थे मैंने, है ना, जीविका का रिजल्ट दे दिया गया है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, और एक रिजल्ट और दिया गया है दोस्तों बिहार विधानसभा परिषद को लेकर, ठीक है। ये दोनों अपडेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को देख लीजिएगा। बिहार में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक की भर्ती निकली है, इस वीडियो को देखिए, और इंटरव्यू के लिए 11 तारीख को आपको जाना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। देख सकते हैं दोस्तों आप यहां पे, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपके लिए एप्लीकेशन एक्सेप्टेड करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये, ठीक है। इसमें SC ST कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, जिनके लिए 13 और ST के लिए 12 सीटें अलग से बताई गई हैं। जनरल OBC कैंडिडेट इस वीडियो को ना देखें, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये कैंडिडेट उनके लिए निकाला गया जो कि SC और ST छात्र हैं और वो मेल मेंबर हैं, फीमेल मेंबर वाले छात्र छात्राएं ना देखेंगी, ठीक है। छात्राएं जो हैं एक्चुअली वो नहीं देखेंगी इस वीडियो को, ठीक है। ब्रांच की एलिजिबिलिटी जो है आपको मैंने बता दी यहाँ पे दोस्तों, कि आपका BE BTEC में 55% मार्क्स होना अनिवार्य है, और 1 से लेकर 8वें सेमेस्टर तक आपका ये 55% का एग्रीगेट होना चाहिए। आपका एज क्राइटेरिया जो है दोस्तों, 1 जुलाई 1990 से लेकर 30 जून 1999 के बीच में होना चाहिए आपका एज, ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक और कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है, कि कैंडिडेट विदड्रॉल द डिसप्लिनरी ग्राउंड फ्रॉम द अदर सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी आर नॉट एलिजिबल टू अपियर। अगर आप लोग कहीं और से अपना ट्रेनिंग लिए हैं किसी सर्विस में, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बी अरेस्टेड, अगर आप कहीं अरेस्टेड हुए हैं, नहीं होने चाहिए आपका अरेस्टेड होना, कोई भी जुर्म आपके ऊपर नहीं संलग्न होना चाहिए, ठीक है। तो लोग अगर हैं तो आवेदन नहीं करेंगे ऐसे लोग, ठीक है। हु ओनली कैंडिडेट क्लियर देयर फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड कंप्लीटेड देयर डिग्री आर टू अप्लाई। जिन्होंने अपना डिग्री कोर्स कर लिया है या फिर वो फाइनल ईयर में है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म, ठीक है। तो 9 फरवरी से 15 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक। यहाँ पे वो सारी प्रक्रियाएं दी गई हैं, कैंडिडेट अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, और क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है, और 12th का जो सारा परसेंटेज है वो बताएंगे। कैंडिडेट टू चूज ऑफ एनी ऑन वेन्यू
फॉर द PSB आउट ऑफ द ऑप्शन डिस्प्ले, जो भी आपको ऑप्शन डिस्प्ले होगा उसमें किसी एक ऑप्शन पे चुनना होगा। ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर अपना दे दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ वहाँ पे कि फॉर्म भरते समय सावधानी बरतिएगा, जो भी SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हीं को ये फॉर्म भरना है, और ये टोटल वैकेंसी मात्र 25 निकाली गई है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करेंगे जो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों सेलेक्टेड कैंडिडेट एडवर्टाइजमेंट, यहाँ रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है ये असिस्टेंट कमांडेंट की है, जो कि 2020 का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आई एग्री पे क्लिक करके फॉर्म को आगे भरने के लिए प्रोसीड करना है। दोस्तों ये सारी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा। अच्छा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता दूँ यहाँ पे आपको। दोस्तों ये ईमेल आईडी है यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, ये जो वेबसाइट है ये मैं लिंक में दे दूंगा, यहाँ से जाके आप सारी डिटेल जो है वो भर सकते हैं। और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो होगा आपका सेंटर होगा, एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया जाएगा कि कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। 4 सिटी है दी गई यहाँ पे, इन चारों सिटीज़ पे आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नोएडा, ठीक है। यहीं पे आपका सारा सेंटर होगा, यहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देने होंगे, और ये इनका हेडक्वार्टर भी है एक्चुअली यहाँ पे, इसलिए यहाँ से ये रखे हुए हैं। इनका सेंटर भी इसी सेंटर पे दिया जाएगा आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे स्टेज वाइज होगा, पहला आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एग्रीगेट के मार्क्स पे, उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिए आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, और उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, उसके बाद पिक्चर वाले डिस्क्रिप्शन वाले टेस्ट होंगे आपके, और डेट एंड टाइम वेन्यू आपको दे दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे भी। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री 18 और 19 शुड बी इन प्रोसेसिंग इन ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री, जो भी अपना प्रोविजनल डिग्री होगा उनके पास वो लगा सकते हैं, जो लोग पास आउट हो चुके हैं उनके बारे में है। ध्यान रखिएगा CGPA अगर आप लोग हैं तो 55% के इक्विवेलेंट होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। फाइनल सिलेक्शन क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो कैंडिडेट हु अप्लाई क्वालिफाई प्रिलिमिनरी सिलेक्शन विल कॉल्ड द फाइनल सिलेक्शन। देखिए यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन सेकेंड स्टेज में ही आपका हो जाएगा दोस्तों, अगर आप लोग फाइनल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपको यहाँ पे सारे डिटेल के अनुसार आपको प्रोसीड किया जाता है। फिर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना होगा, ग्रुप टास्क दिया जाएगा, इंटरव्यू होगा, और देन आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देने होंगे इस प्रक्रिया में, इस नौकरी के लिए, तो 2 कॉपी देने होंगे आपको किसके, तो ई एडमिट कार्ड के, और पासपोर्ट साइज फोटो, और क्लास का 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट आपको यहाँ लगाना होगा प्रूफ में, और ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूंकि ये वैकेंसी SC ST कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ पे आपको उनका सर्टिफिकेट भी लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, जो कि आपके अनुमंडल से बन जाएगा, उसे आप बनवा लेंगे। 12 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया है ब्लू बैकग्राउंड के साथ, यानी कि कम से कम 12 अपने पासपोर्ट साइज फोटो रखिएगा अपने पास, जो कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी आपके ज्वाइनिंग के समय। उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह, हाइट वगैरह और चेस्ट वगैरह को लेकर होगा, जो क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है आप देख सकते हैं, 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, वेट आपका कम से कम यहाँ पे एज के अनुसार 10 साल ऊपर या 10 साल नीचे, मतलब माफ़ कीजिएगा 10% ऊपर या 10% नीचे हो सकता है, रखा जा सकता है, जो कि एक कोस्टल गार्ड में रखा जाता है नॉर्मली वेट को लेकर, ठीक है। और चेस्ट जो है आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। आई साइड जो है आपका 6x6 और 6x9 के मध्य में ही होगा, तो ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, 6x6 और 6x6 के अधीन ही होना चाहिए, ठीक है। टैटू फैटू अगर आपने लगा रखा अपने कंधों पे, अपने आवाज़ों में, तो आप लोग भूल जाइएगा कि आप इस फॉर्म को आवेदन भी कर सकते हैं, ओके। वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बताएगा कि आप अगर इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं तो कम से कम आपका यहाँ पे बोला जा रहा दोस्तों कि कैंडिडेट सिलेक्शन पेटनिंग टू द पर्टिकुलर बैच टू द वैलिड फॉर द बैच ओनली, जो भी उस बैच में आपका सिलेक्शन नेम होगा उन्हीं के अधीन आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। इस सारे प्रोसीजर से गुजरने के बाद, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से गुजरने के बाद एक फ्रेश बैच आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो कि इसका रिक्रूटमेंट के जरिए निकाला जाएगा जिन छात्रों का। रीज़न फॉर रिजेक्शन, कुछ कारणों से यहाँ पे आप रिजेक्ट हो सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा, ओके। मेरिट लिस्ट उसके बाद जब बनेगा, ये आपका मई 2020 में बनकर तैयार हो जाएगा, अगर सारे सिलेक्शन प्रक्रियाओं से आप गुजरते हैं यहाँ पे तो, ओके।
ओके तो ये ट्रेवल अनाउंसमेंट, यहाँ पे अलाउंस भी दिया जाएगा आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है, और कहीं आने जाने का खर्चा भी यहाँ पे मिलेगा आपको। ओके जनरल गाइडलाइंस है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होंगी, है ना, ये सारी चीज़ें डिटेल पढ़ लीजिएगा अगर आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे तो। ओके इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफर यू, यहाँ आपको प्रमोशन करता है पे स्केल के लिए, 7 CPC पे आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी, ठीक है। पे स्केल जो है असिस्टेंट कमांडेंट का 10th पे लेवल पे होगा, जो कि 56,000 से शुरुआत होगी। डिप्टी कमांडेंट अगर बनते हैं तो 67,700, कमांडेंट अगर बनते हैं तो 78,000, और कमांडेंट बनते हैं तो जूनियर अगर बनते हैं जूनियर कमांडेंट तो आपका 1,18,000 इसकी होगी कमांडेंट की, और जूनियर कमांडेंट की यहाँ पे 78,000 होगी। उसके अलावा इंस्पेक्टर जनरल की सैलरी होगी दोस्तों 1,44,000, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की होगी 1,31,000, एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सैलरी होगी 1,82,000, और डायरेक्टर जनरल की सैलरी होगी 2,05,400 रुपये। तो ये सैलरी प्रक्रिया है आपका प्रमोशन के बाद, जैसे जैसे आप प्रमोट करेंगे ये सैलरी प्रक्रिया आपको दी जाएंगी। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दे दिया है दोस्तों मैंने, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा जल्दी से, क्योंकि डेट यहाँ पे बहुत कम है। बस वही छात्र आवेदन करेंगे जो कि SC ST कैटेगरी से हैं, जो कि अदर कोई नहीं भर सकते इस फॉर्म को, और वो भी इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर ही आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और इसे उस ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा जहाँ पे आपके ऐसे दोस्त हैं जो कि SC ST कैटेगरी से आते हैं। ओके धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।